वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले आज के अमेरिकन बास्केटबॉल मैचेस के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है डेनवर वर्सेस फोनिक्स के बीच में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर लाइनअप में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सभी अपडेट्स और फाइनल टीम आपको यही मिलेंगी। और आप मेरी टीम से खेल रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 11 चैलेंजर्स और उसी के साथ साथ लाइफ 11, इन दोनों एप्लीकेशन पर खेल लेना। पर्सनली मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है क्योंकि 5 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं और क्रेडिट इशू नहीं होता तो टीम काफ़ी अच्छी बनती है, जहाँ पर विनिंग पॉसिबिलिटीज अच्छी, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीज होते हैं। दोनों एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल की लिंक। दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में, जो कि यहाँ पर खेला जाने वाला है डेनवर वर्सेस फोनिक्स के बीच में। कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल मैचेस है, 7 मैचेस की सीरीज है, 4 मैचेस अभी यहाँ पर खेल चुके। और ये स्टार्टिंग के यहाँ पर मैं जो आपको बताता हूँ कि आज का मैच किसके होम में खेला जाने वाला है और किसके यहाँ पर अवे खेला जाने वाला है, उसकी इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए। फर्स्ट दोनों मैच डेनवर अपने होम में खेली, दोनों मैचेस इन्होंने विन किए। और उसके बाद कि दोनों मैच फोनिक्स अपने होम में खेली और दोनों मैच इस टीम में विन किए। आज का मैच डेनवर अपने होम में खेलने वाले और 90% चांसेस है कि आज का मैच डेनवर अब यहाँ पर ये मैच विन कर लेंगी। तो होम एडवांटेज इतना आपके लिए यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो भी मोस्टली टीम अपने होम में खेलती है वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें फंटासी टीम बनाने के लिए, अगर यहाँ पर आप फंटासी टीम बना रहे हो तो मैक्सिमम जो आप डेनवर के प्लेयर है उनको आपके टीम में लेने की कोशिश कर लेना, स्पेशली ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग की टीम तो यहाँ पर सेफ बनती है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो डेनवर के जो प्लेयर है उनको आज के मैचेस में फेवरेबल बनाना, क्योंकि आज के मैचेस अपने होम में खेलने वाले और होम में इनकी तरफ से ऐसे कुछ प्लेयर रहेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देकर दे देंगे। बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में, प्रोबेबल स्टार्टर दोनों टीम की तरफ से, प्रोबेबल 5 स्टार्टर। सबसे पहले डेनवर की तरफ से जमेल मुरे स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से कालडियोल पॉप, स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से मिचेल पोर्टर जूनियर, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से एरन गॉर्डन और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे निकोला जोकिस। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है, निकोला जोकिस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सबके रहने वाले ESP। स्मॉल लीग के लिए आपके पास गॉर्डन का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कालडियोल पॉप का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है क्योंकि दोनों क्रेडिट स्कोर में आपको मिल जाएंगे। और ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ये जो प्लेयर है जमेल मुरे और उसी के साथ साथ मिचेल पोर्टर जूनियर, दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है। ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेटर पिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लास्ट मैच का वही भी प्लेयर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ क्लियर व्यू आपको आएगा नहीं, लेकिन प्लेयर परफॉर्मेंस लास्ट मैचेस का देख लेना। लास्ट मैचेस में जमेल मुरे की तरफ से शूटिंग से अगर यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड गोल से ये प्लेयर काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लेता है। और आज के मैचेस में अगर आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग खेल लिए रिस्क लेना पसंद है तो जमेल मुरे को आप अपनी टीम में रख लीजिए और एक टीम ऐसी जरूर ट्राई कर लेना जहाँ पर आपकी ये PP हो। मिचेल पोर्टर जूनियर शूटिंग काफ़ी अच्छा रहा था और रिबाउंड भी कलेक्ट कर देते हैं। निकोला जोकिच हमेशा से डबल ट्रिपल यहाँ पर हर एक मैचेस में देख कर आ रहे थे सबके पास होने वाले। और लास्ट मैचेस में देखिए जो यहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आया था, 30 फील्ड गोल से शॉट्स लेते जिसमें से 20 इनके कनेक्ट हुए थे। एरन गॉर्डन इतना भी बेटर रहा नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मिला था। कालडियोल पॉप की तरफ से भी डिसेंट सा परफॉर्मेंस आया। इस टीम की तरफ से जो बायन स्टेन थे, जेवरीन ब्राउन, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना इन दोनों प्लेयर पर भी, क्योंकि दोनों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ बैन से किया जाता है और कभी कभी ये दोनों प्लेयर मोर देन 25 मिनट भी पर बैन से खेलकर चले जाते हैं। उसके बाद जो प्लेयर आएंगे क्रेडिट और ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे क्रिश्चियन ब्राउन, हालांकि ज़्यादा टाइम खेलते नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ पर क्रेडिट इशू होता है ग्रैंड लीग अगर यहाँ पर आप खेल रहे हो तो आप अपनी टीम में क्रिश्चियन ब्राउन को ट्राई कर सकते हो एज यहाँ पर क्रेडिट से। और इस टीम की तरफ से जो बैंच प्लेयर आपको मिलेंगे क्रेडिट अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो डेनवर की तरफ से एक तो क्रिश्चियन ब्राउन आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आपके पास अवेलेबल है जेफ ग्रीन और ब्रंस ब्राउन, यही तीनों ब्रांच प्लेयर है जिनको रोटेशन में यूज़ किया जाता है। ब्रंस ब्राउन को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी मेरी अगर किसी को ट्राई करना है ग्रैंड लीग में, उसके बाद जेफ ग्रीन और क्रिश्चियन ब्राउन, ये तीनों प्लेयर है जिन्हें आप अपने स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम में रिस्क के साथ ट्राई कर सकते हो। ये हुआ डेनवर की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टिंग 5। अगर यहाँ पर बात करेंगे फोनिक्स की तरफ से तो क्रिस पाउल अभी भी यहाँ पर ऑफिशियली गेम 5 के लिए अनअवेलेबल है, तो इनकी जगह पर फिर से आपको यहाँ पर फाइनल स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे। उसके बाद बकर स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से ड्यूरान, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे कुंगायो, और सेंटर पोजिशन से स्टार्ट करेंगे डिएंड्रे एंटनी। डिएंड्रे एंटनी का अभी तक का जो कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल और कॉन्फ्रेंस प्लेऑफ के मैचेस जितने भी मैचेस हुए अभी तक इनका परफॉर्मेंस आया नहीं, रेगुलर सीजन में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ग्रैंड लीग ट्राई करो तो एक टीम में जरूर आप अपने टीम में डेंड्रे एंटनी को ट्राई कर लेना, क्योंकि ये प्लेयर पॉइंट और रिबाउंड दोनों सेक्शन से आपको कभी भी परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि सामने वाली टीम जो है डेनवर तो वो यहाँ पर उनका यहाँ पर फ्रंट कोर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सामने अपोनेंट टीम के यानी फोनिक्स के जो फ्रंट कोर के प्लेयर है जिसके यहाँ पर डेंड्रे एंटनी जैसे प्लेयर, इनको
ज़्यादा यहाँ पर चलने देती नहीं, तो फिर से यहाँ पर ग्रैंड अटेंडर की तरफ से शायद आपको प्रॉफिट फॉर्म आता देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रैंड खेल रहे हो तो उस टीम में अपने टीम में जरूर ट्राई लेना। टीम स्टार प्लेयर है काई ड्यूरांट और बकर, इन दोनों की तरफ से भी कंटिन्यूसली रेगुलरली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। स्मॉल लीग के लिए सेफ पिक आपके लिए रहेंगे क्योंकि क्रिस पॉल अवेलेबल नहीं, तो दोनों की यहाँ पर प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद फाइनल एक डिफॉल्ट पिक आपको देखने को मिलेंगे एकुंगा, अभी डिसेंट सी पी के कभी कभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है, कभी कभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है। वैसे भी आज का मैच अपने अवे मैचेस में खेलने वाले, तो शायद यहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस ना आए। लेकिन भाई ना आपको यहाँ पर बॉन लाइन लिंक संभालते हैं तो असिस्ट से इनके चांसेस रहेंगे और शूटिंग से भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ओकोंगा से थोड़े से बेटर, ओकोंगा जो थे यहाँ पर डिफेंसिव प्लेयर है, ऑफेंसिव प्लेयर है कैमरन भाई ना। उसके बाद इंटरटेन ने लास्ट मैच में फाउल ट्रबल किया था, फील्ड गोल से ज़्यादा शॉट्स लिए नहीं थे। फील्ड गोल से जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर शॉट्स ले रहे ये इनके दो मेन प्लेयर कंटिन्यूसली फील्ड से शॉट्स ले रहे, कंटिन्यूसली इनके तरफ से परफॉर्मेंस आ रहे। और अगर यहाँ पर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो मुझे क्या लगता है पता है, इन दोनों में से कोई एक आज के मैचेस में फ्लॉप होने के चांसेस रहेंगे। तो ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले लेना, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सेफ टीम में आपको बताऊंगा और उसी टीम के साथ यहाँ पर मैक्सिमम अपोनेंट आएंगे तो वो टीम आप यहाँ पर ट्राई कर लेना। लेकिन ग्रैंड लीग के भी कुछ सजेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पर बात करेंगे इस टीम की तरफ से बेंच टेन, तो बेंच में यहाँ पर सेलमन को यहाँ पर रिसेंटली दोनों मैचेस में टाइम मिला है जब से यहाँ पर क्रिस पॉल अनअवेलेबल है। उसके बाद जैकब लॉन्डल, इनको यहाँ पर ट्राई किया है एज यहाँ पर बैकअप सेंटर, यानी जब भी यहाँ पर डी एंड्रे एंट्री सब्स्टिट्यूट होंगे उनकी जगह पर लॉन्डल यहाँ पर आपको खेलते देखने को मिलेंगे। इनके पास बैकअप सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है बियांबो, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए बियांबो को भी यहाँ पर ये टाइम दे सकते हो। हालांकि फोनेस का जो कि उनका कुछ कहा नहीं जाता, लैडल की जगह पर यहाँ पर ये हो सकता है बियांबो को भी टाइम देंगे। रिसेंटली दोनों मैचेस में लैडल को टाइम मिला है तो चांसेस ये ही रहेंगे कि इनको यहाँ पर मैच से टाइम लेगा, लेकिन हो सकता है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करते। और लास्ट मैच में वारेन को टाइम मिला था और टोरी क्रेक को इन्होंने हटवाए एज ए पर रोटेशन प्ले से। सब सरप्राइजिंगली सेमीफाइनल कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल मैच जब चल रहे थे यहाँ पर, तब टेरी क्रेक यहाँ पर एज ए स्टार्टर खेला करते थे और जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस फाइनल मैच स्टार्ट हुए तो तब यहाँ पर क्रेक को यहाँ पर इन्होंने बेंच से भी रोटेशन में रखा है, तो यहाँ पर वारेन को यूज कर रहे हैं। पर यहाँ पर रोटेशन का फॉरवर्ड जो कि यहाँ पर मोस्टली ओकोंगा के सब्स्टिट्यूशन पर आपको खेलते देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस टीम के तरह से बेंच स्ट्रेंथ और सभी आपको क्रेडिट्स और मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में पनाई के सब्स्टिट्यूशन पर सेलमन खेल रहे हैं, इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ रहा है। डिली को इन्होंने रोटेशन में रखा है, टेरेंस रॉस को यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर टाइम जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर वारेन को और जैकब लॉन्डल जैसे प्लेयर को, तो ये इस टीम की तरफ से बेंच प्लेयर है और सभी यहाँ पर क्रेडिट्स और आपको मिल जाएंगे। तो सभी को यहाँ पर आप चाहो तो अपने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम में ट्राई कर लेना। इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन रहेगा, एक तो यहाँ पर लैंडल इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद सेलमन और वारेन को भी आप अपने टीम में यूज़ कर सकते हो क्योंकि इनकी तरफ से भी कभी कभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आने की उम्मीद रहती है और दोनों की तरफ से आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आता है देखने को मिलेगा। रॉस और रैंडल दोनों आपके लिए यहाँ पर ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। बता देता हूँ मैं अपने यहाँ पर स्मॉल लीग टीम और उसी के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी कुछ जो सजेशन मैंने आपको दिए उसके बारे में भी बता देता हूँ। स्मॉल लीग टीम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर निकोला जोकिच डिफॉल्ट पिक रहने वाले, डिफॉल्ट पिक रहने वाले काइली ड्यूरांट और बकर, ये यहाँ पर तीन बेस्ट प्लेयर और तीनों मोस्टली यहाँ पर टॉप स्कोरर रहने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ड्यूरांट और बकर इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर आप अपने टीम में ज़रूर ट्राई कर लेना। जमेल मरे को क्यों ट्राई कर लें करना है क्योंकि डेनवर अपने होम में खेल रहे, हो सकता है जमेल मोरे की तब परफॉर्मेंस आएगा। लाल मोरे के लिए यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं और स्मॉल लीग की सेफ टीम में बना रहा हूँ, तो जहाँ पर पॉइंट गार्ड पोजीशन की तुम पायना को मैंने पिक किया है कार्ल ड्यूअल पॉप 8 क्रेडिट में, काफ़ी अच्छे क्रेडिट से और जो कि यहाँ पर खेलेंगे एज अ स्टार्टर। उसके बाद मैंने अपनी टीम में रखा है यहाँ से एरन गोर्डन को, लैंडल को मैंने अपनी टीम में रखा है एज अ क्रेडिट से और 5.5 क्रेडिट बचेंगे। उसके लिए आपके लिए जेफ ग्रीन अवेलेबल है, इनको ट्राई कर सकते हो या फिर ट्राई कर सकते हो आप अपने टीम में यहाँ पर सेलमेंट। लास्ट मैचेस में सेलमेंट को बैंक से सबसे ज़्यादा टाइम मिला था, उसके वजह से यहाँ पर मैंने अपने टीम में सेलमेंट को रखा है। अगर आप चाहो तो आप अपने टीम में से यहाँ पर जेफ ग्रीन को भी रख सकते हो। ये मेरी डेमो रिमोलियन टीम और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है जहाँ पर मैंने एसपीपी जो है एसपी तो नो डाउट यहाँ पर रहने वाला है निकोला जोकिच, पीपी के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है बकर। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप अपने टीम में यहाँ पर काइली ड्यूरांट को भी एज अ पीपी ट्राई कर सकते हो। हालांकि बकर मोस्टली यहाँ पर शूटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है, तो यहाँ पर मेरे ये जो है एसपी और पीपी है। और एक बात बता दूँ, जब भी यहाँ पर अवे मैचेस के लिए यहाँ पर फोनेक्स, तो उन्होंने यहाँ पर 110 से ज़्यादा स्कोर बनाए हैं पिछले दोनों मैचेस में जब भी यहाँ पर इस टीम के अगेंस्ट खेले, और जब आपने होम में खेले तो दोनों मैचेस में 120 प्लस स्कोर बनाए, तो इतना डिफरेंस होता है अवे और उसी के साथ साथ होम मैचेस के कोर्ट में। तो हो सकता है आज के मैचेस में यहाँ पर जो आपके फोनेक्स है उनकी तरफ से कुछ प्लेयर आज मैच में फॉर्मस ना आए, ये स्मॉल लीग की टीम सेव कर रख लेना। अभी यहाँ पर एक मिनट का टाइम है तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक ग्रैंड लीग की टीम भी दे देता हूँ। ग्रैंड लीग के लिए जो मेरी टीम रहेगी वो मोस्टली यहाँ पर डेनवर के फेवरेबल में रहेंगी, जहाँ पर निकोला जोकिच
और जयमल मुरे, ये दोनों डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे। मिचेल पोर्टर को मैंने ट्राई किया है, यहाँ पर आपको बेंच से ब्रंस ब्राउन का काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा। आप एक टीम में काइली डुरान को पिक कर लेना, एक टीम में पिक कर लेना बकर को। फिलहाल यहाँ पर मैं बकर को पिक करो, और क्रेडिट इशू तो यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है, तो काम पाइना मेरी टीम में रहेंगे। उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर सेलमेंट को, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट इशू होता हो रहा है, तो सोचते हैं हम यहाँ पर किसे ड्रॉप करना है। यहाँ पर शायद मैं ब्रंस ब्राउन को ड्रॉप करा लूँगा। मेरी टीम में जगह प्लानल रहेंगे। एट क्रेडिट में कौन सा प्लेयर है जिसे हम पिक करेंगे? कार्डियोल पॉप एक ऐसा प्लेयर है जिसे हम पिक करेंगे। ये बैलेंस टीम है, जहाँ पर इस टीम में आपको एक तो निकोला जोकिच देखने को मिलेंगे, मिचेल पोर्टर और जमेल मोरे, ये प्लेयर देखने को मिलेंगे। और ये ग्रैंड लीग टीम, इसे यहाँ पर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। और इस टीम में यहाँ पर सेलमेन की जगह पर अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, देखते फिलहाल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर सेलमेन की जगह पर कोई एक्सपेरिमेंट होंगे नहीं। बस आपको एक्सपेरिमेंट करना क्या है, आप अपने टीम में यहाँ पर बकर की जगह पर काइली ड्यूरान को एक में ज़रूर ट्राई कर लेना, सेम टीम के साथ जाना। इस टीम में यहाँ पर बकर को पिक किया है तो इस टीम में यहाँ पर ड्यूरान को पिक कर लेना, और ड्यूरान और निकोला जोकिच आपकी SPPP रहेंगे, और उसके बाद जमेल मोरे को आप यहाँ पर SPPP ट्राई कर लेना। तो ये कुछ यहाँ पर SPPP रोटेट कर आप इसी टीम को यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं भी टीम सेव कर रख लेता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर ये टीम मेरे भी ग्रैंड लीग के लिए काम आने वाले है। तो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम दोनों मैंने आपको बता दी, बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट मैं दे दूंगा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। मोस्टली यहाँ पर इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया ग्रैंड लीग टीम के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट वैसे मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और जो यहाँ पर प्लेयर परफॉर्मेंस है वो प्लेयर के हाथ में होता है, बस हम हमारी तरफ से 100% देते हैं, और वही 100% में फाइनल टीम देते वक्त मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जो टीम में आपको देता हूँ सेम टीम के साथ भी मेरी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैं अपने लिए यहाँ पर ये टीम ही बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी होप गाइस यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।